राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छांव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। दोस्त, इस फिल्म का ये गाना आपने जरूर सुना होगा, कभी पूरा सुनिएगा, बहुत अच्छी सीख दे जाती है। और इस गाने से हमें ये पता चलता है कि परिस्थितियां कितनी भी विकट हो, हमें उसी को अपना सकारात्मक पक्ष बना लेना चाहिए, तभी हम जो है मुश्किलों को भी पतवार बना के बड़ी से बड़ी नदी आराम से पार करते हैं, कर सकते हैं और अपने किनारे पर पहुंच सकते हैं, अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगरी में। और हम सभी जानते हैं कि स्पेक्ट्रम का सीरीज चल रहा है, हर वक्त मैं ये आपको बताता हूँ, चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ वीडियोस में, ये स्पेक्ट्रम किताब बार बार दिखाता हूँ, सोचता हूँ जब दिखाना बंद कर दूँ, कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप लोग तो जान ही गए होंगे ये स्पेक्ट्रम की किताब है। उल्टा दिख रहा है क्योंकि फ्रंट कैमरा ऑन है मेरे फोन का, और इसमें लगभग आधा किताब, जी हाँ आधा किताब हम लोग समाप्त कर चुके हैं और उसके नोट्स भी रेडी हो चुके हैं। ये नोटबुक है, ये रेडी हो चुका है, और जो लोग रेगुलर बने हैं मेरे वीडियो के साथ उन्होंने अपना नोट रेडी भी कर लिया होगा। और बहुत सारे तथ्य, इस नोट्स की खासियत यही है कि हमने पढ़ के बनाया है। देखिए, आपके सबसे बड़ी कमजोरी मैं बताता हूँ, आजकल बहुत सारे लड़के ये कर रहे हैं और ये परीक्षा भवन में फेल होने का बहुत बड़ा कारण बन सकता है, पीडीएफ लेना, पीडीएफ दूसरे की नोट्स की पीडीएफ लेना। देखिए, दूसरे की नोट्स की अगर पीडीएफ लेते हैं, किसी दूसरे के नोट्स की पीडीएफ, तो उसने अपने हिसाब से उसको जहां लगा कि ये चीज हमें समझ में नहीं आती उस चीजों को नोट्स में समाहित किया, आपने उसको कॉपी किया और आप कॉपी कैट बन के रह गया। जी नहीं, आप खुद एक बार नोट्स बनाइएगा तब और किसी दूसरे के नोट से पढ़िएगा, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। मुझे बहुत सारे लोग पीडीएफ मांगते हैं, मैं पीडीएफ क्यों नहीं देता, मैं चाहता हूं कि लोग उसको पढ़ के आए, पढ़ के खुद से नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाना भी हमारे पढ़ाई का एक भाग है, उसमें हम लोग दो बार पढ़ते हैं, एक बार लिखते हैं। और हमें लेखन, देखिए मेरी राइटिंग बहुत खराब थी, बहुत खराब, और सादे पन्ने पर लिखना मेरे लिए असंभव जैसा था, उस कोने से शुरू करता था, इस कोने पे आगे खत्म होता, सीधा मैं लिख नहीं पाता था। तो पीसीएस या बड़े एग्जाम की परीक्षा की तैयारी करना जो है मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुख्य परीक्षा में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं वो सादे पेज पे लिखने पड़ते हैं। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, मैंने अपने नोट्स बनाए, तो मुझे मेरी लेखन शैली जो है केवल अच्छी नहीं हुई, मेरी हैंडराइटिंग जो है जिसको श्रुति लेख बोलते हैं काफी अच्छी हो गई। गांधी जी ने कहा है ना कि श्रुति लेख का खराब होना, श्रुति लेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। जी हाँ दोस्तों, तो आपका लेखन जो है बहुत अच्छा होना चाहिए और ये है प्रैक्टिस की चीज। तो आप मुख्य परीक्षा जैसी कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं किसी बड़े एग्जाम की, तो लेखन शैली सुधारने के लिए अपने नोट्स खुद से बनाइए, डबल फायदा करता है। ज्यादा भाषण नहीं दूंगा फिर से मैं, और चलेंगे हम लोग अपने नोटबुक पे, लेके चलता हूँ आपको अपने नोटबुक पे और देखते हैं कि अगला चैप्टर, अगला चैप्टर कौन सा है थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ 10 सेकंड का समय लेके। अगला चैप्टर नंबर 16 है और 16 चैप्टर में हम पढ़ना है खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर परीक्षा दी होगी 4-5 परीक्षा, उसमें कभी ना कभी 2-3 बार तो 5 में 2 या 3 बार तो इसमें से प्रश्न आ गए होंगे। क्या था? खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, पेज नंबर 325 स्पेक्ट्रम का, हम लोग इसे आज के आज खत्म करेंगे। 325 से 338 तक हमें पढ़ना है, 13 पेज का ये चैप्टर है, कोई भी चैप्टर 10 पेज से कम का नहीं है स्पेक्ट्रम में। तो आधुनिक भारत के इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, 30 दिन में खत्म भी कर लेंगे। आइए चलते हैं आपको लेके अपने नोटबुक पे और अपना नोट्स हम खुद से तैयार करते हैं इसी वक्त, चलिए आइए। और एक बात और मैं छूट गया, मैं आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ, थैंक यू। आइए चलते हैं अपने नोटबुक पे। तो दोस्तों आ गए हैं नोटबुक पे, ये देखिए ये किताब है स्पेक्ट्रम की, मैं थोड़ा सा कैमरा को ठीक कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि ये स्पेक्ट्रम की किताब है और ये मेरा नोटबुक है। और आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 16। जी हाँ, चैप्टर नंबर 16 काफ़ी दूर है अभी और आगे। जी हाँ, चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन क्या है, सबसे पहले मैं छोटी सी झलकी आपको दे देता हूँ।
एक तुर्की में एक खलीफा पद होता था, खलीफा जो कि खुदा का प्रतिनिधि माना जाता था, अल्लाह का प्रतिनिधि, मुसलमानों के लिए एक बहुत ही उच्च धार्मिक पद था। ब्रिटेन ने क्या किया, तुर्की जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इस पोस्ट को, इस पद को समाप्त कर दिया। अब इस पोस्ट को जहां समाप्त किया तो इसकी जो है गरिमा खत्म हो गई, ऊपर से क्या किया, तुर्की का बंटवारा कर दिया। उसी के लिए मुसलमान, पूरे विश्व के मुसलमान भड़क गए और वो खिलाफत आंदोलन करने लगे। इस खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने अवसर माना और उन्होंने माना कि अगर कांग्रेस आज खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करती है तो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में सफल हो पाएंगे। वहीं पे उन्होंने असहयोग आंदोलन का सहारा लिया। इसीलिए हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। खिलाफत जो कि टर्की में हुए घटना के वजह से मुसलमानों ने किया था और उसमें साथ दिया था गांधी जी ने, और साथ कैसे दिया था, असहयोग आंदोलन के माध्यम से। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी, देखते हैं मैंने अपने नोटबुक में इसको कहां पे स्थान दिया है। आज मैंने एक्चुअली पृष्ठ नंबर लिखा नहीं है तो देख लेते हैं कौन से पृष्ठ पे इसको होना चाहिए। देखिए गांधी जी का अभ्युदय, मैंने अभी तक पृष्ठ नंबर भी अंकित नहीं किया, तो चलिए मैं कर देता हूं यहाँ पे पृष्ठ नंबर अंकित। इसका नाम है खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, आपके सामने जो है इसको लिख रहा हूं, अध्याय 16, जिसका नाम है खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। देखिए खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन मैंने लिख दिया, पेज नंबर 181 पे गांधी जी का अभ्युदय खत्म हुआ था, पेज नंबर 182 से ये शुरू होगा। 182 से कहां तक है जरा देख लेते हैं, 186 तक, पांच पेज में हमें इस चैप्टर को पढ़ना है, 182 से 186। चलते हैं 182 नंबर पृष्ठ पे, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके जो है पहले का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है पहले के चैप्टर को पढ़ना, क्योंकि इतिहास है दोस्त, इतिहास लाइन से पढ़िएगा तो देखिए आपने देखा होगा, अगर आप लाइन से पढ़ रहे होंगे तो सारी घटनाएं जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसीलिए जो है आपको पहले का पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। चलिए चैप्टर में लेके आया हूं, मैं कॉपी को घुमा लेता हूं ऐसे, अब ये आपके सामने है, कैमरा नीचे। इस किताब की चैप्टर नंबर 16, अध्याय 16, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। अब देखिए सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दिया है, फिर भी चलते हैं। साल 1919 जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जी हाँ, जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय जितनी भी सरकारी गतिविधियां हो रही थी वो भारतीयों के खिलाफ थी, जितनी भी सरकारी गतिविधियां हो रही थी वो भारतीयों के खिलाफ थी, और इससे भारत में हर वर्ग असंतुष्ट था, किसी को संतुष्टि नहीं थी ब्रिटिश सरकार से। तो यहाँ पे जो है क्यों, इसका कारण क्या था, इस असंतुष्टि का जो है क्या कारण था, इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं, और आशा करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको बस केवल पढ़ लेने से पूरी तरीके से याद हो जाएगा और मुख्य परीक्षा में आप बैठे नहीं रहेंगे। तो देखिए पहला है प्रथम विश्व युद्ध पश्चात आर्थिक कठिनाई। इस आर्थिक कठिनाई के बारे में हमने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, देखो तो एक जगह हमने पढ़ा, कई जगह ये काम देगा। तो प्रथम विश्व युद्ध पश्चात आर्थिक कठिनाई, कौन कौन सी आर्थिक कठिनाई हुई, इसको बिंदुवार मैंने यहाँ पे जो है हाईलाइटेड किया है। बढ़ती महंगाई, खाद्यान्नों में भारी कमी, औद्योगिक उत्पादन कम, सूखा, महामारी, इसमें एगो प्लेग, तो इस सब जो है आया, इससे क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई, क्योंकि अंग्रेजों को बहुत सारा धन चाहिए था, इसके वजह से जो है उन्होंने कुछ कदम उठाए, जिसकी वजह से ये सारी चीजें, इसमें बस प्लेग, महामारी और सूखा, ये तो खैर अलग से आ गए, मतलब कि एक तो कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला, तो ये तो ऊपर से आ जाए, ये अंग्रेजों के का जो है
करामात नहीं था, लेकिन बढ़ती महंगाई अंग्रेजों का करामात था, उन्होंने टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया था। खाद्यान्नों में भारी कमी, टैक्स बढ़ा दिया, कैसे देंगे खाद्यान्न अगर खाद्यान्न में कमी आएगी तो। औद्योगिक उत्पादन कम, उद्योग धंधों पर उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड के उद्योग धंधों पर ज़्यादा ध्यान लगाया। तो ये सारे कारण थे। दूसरा जो असंतुष्टि का कारण था वह था रॉलेट एक्ट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भारत में जो हर वर्ग असंतुष्ट था वो क्यों था, तो रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे, काला कानून, इसके बारे में हमने डिटेल में पिछले अध्याय में पढ़ा है। तो पंजाब में मार्शल लॉ लग गया था और जलियांवाला जो कांड हुआ इसने लोगों को पूरी तरह से झकझोर के रख दिया। उसके बाद हंटर कमीशन की सिफारिश, ये तो बड़ा ही जुल्म हुआ था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुई थी, जलियांवाला हत्याकांड नहीं कहते, कांड बोलिए इसको, अंधाधुंध गोलियां चली थी, लोग मरे थे 1000 से ज़्यादा, तो उसके जांच के लिए हंटर कमीशन जो बैठाई गई थी। हंटर कमीशन ने जब जांच किया तो हर जगह जो है दोषी पाए गए, कौन, डायर। फिर भी दोषी पाए जाने के बावजूद भी जनरल डायर के कृत्य को उचित ठहराया गया। जनरल डायर को कोई सजा नहीं हुई, कोई उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, केवल उसे पद से हटा के चुपचाप ब्रिटेन भेज दिया गया। डायर के लिए 30,000 पाउंड की धनराशि भी एकत्रित की गई और डायर को सुरक्षा भी दी गई। मतलब ये सब कहने का मतलब क्या है कि मतलब भारतीयों को मारो, तभी तो भारतीय भर के, यही तो संतुष्टि का कारण था। उसके बाद बचा खुचा ले डूबा 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। देखिए मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमने इससे पहले पढ़ी थी, जैसे कि उत्तरदायी सरकार थी, लोगों का जो है प्रतिनिधित्व, भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया था, उनकी संख्या बढ़ाई गई थी। इसके अलावा भी इस सुधार, इस अधिनियम के कुछ दोष भी थे। तो इसमें जो है द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया गया, सबसे बड़ा दोष था ये। द्वैत शासन प्रणाली में उन्होंने क्या किया कि जो फायदे वाली चीजें थी खुद रख लिया। इससे पहले चैप्टर मैंने बताया था, जैसे फायदे में राजस्व वसूलना, पुलिस, प्रशासन, उद्योग, सब अपने पास रख लिया। और क्या दे दिया इनको, शिक्षा, मतलब शिक्षा आप दीजिए हम कमाएंगे, है ना, नगर विकास आप देखिए, ग्राम विकास आप देखिए, मतलब जो विकास के काम था जो भारतीयों को दे दिया। तो ये सबसे बड़ी कमी थी। उसके बाद क्या हुआ, विश्व युद्ध के बाद ऐसी घटनाएं जिनसे हिंदू मुस्लिम एकीकरण के लिए वास्तविक पृष्ठभूमि तैयार की जाती थी वो था खिलाफत आंदोलन। इसी ने खिलाफत को जन्म दिया, इसी ने जो है इन घटनाओं ने, माफ कीजिएगा, खिलाफत को जन्म नहीं दिया, कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके वजह से भारत में भी खिलाफत आंदोलन लोग करने पे उतारू हो गए। एक तो वहां तुर्की का कारण था, दूसरा कारण लोगों का सहयोग मिल रहा था। क्यों, तो एक लखनऊ समझौता 1916, ये आप जानते होंगे लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता जो था किसमें हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, याद रखिएगा, लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग में हुआ था 1916 में, बड़ा ही फेमस है। उसके बाद रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था पूरे देश में और मौलिक राष्ट्रवादी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व था। मौलिक राष्ट्रवादी कौन थे, अबुल कलाम आजाद, अजमल खान, ऐसे ऐसे कुछ बड़े बड़े नेता थे जिनका सहयोग था। तो मुसलमानों ने सोचा कि हम यहाँ सारे आंदोलन ब्रिटेन के खिलाफ है और तुर्की का आंदोलन जो है वो भी ब्रिटेन के खिलाफ है, तो यहाँ पे खिलाफत आंदोलन का जन्म जो है इन तीन घटनाओं के बाद कहा जा सकता है खिलाफत आंदोलन का जन्म हुआ। तुर्की में जो संघर्ष चल रहा था वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। आइए जानते हैं थोड़ा सा खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दी है, चलिए आते हैं खिलाफत आंदोलन पे। ध्यान देंगे, कैमरा सीधा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। अब देखिए खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण तथा मांग, अब जानते हैं खिलाफत आंदोलन के मुख्य कारण तथा मांगे, क्या मांगे थी और क्यों हुआ खिलाफत आंदोलन। तो देखिए मैंने सबको यहां पे क्या किया है, सबको जो है घेरा बनाया है। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का तुर्की के प्रति कठोर रवैया हो गया, तुर्की का विभाजन कर दिया गया और खलीफा के पद से जो है खलीफा को हटा दिया गया, मतलब पद समाप्त करने का एक साजिश हो गई थी। मुसलमान जो है खलीफा को अपना धार्मिक प्रमुख मानते थे, तो
तो जिसको आप धार्मिक प्रमुख मान रहे हैं उसको कोई हटाएगा और वैसा पोस्ट ही हटाएगा, उसके खिलाफ जो है तरह तरह के रवैये अपनाएगा, तो उससे क्या होगा, जो धार्मिक प्रमुख मानते हैं उनमें दो क्या होगा, उनमें रोष फैलेगा, गुस्सा आएगा। जिस यह एक प्रमुख कारण था खिलाफत आंदोलन का। दूसरा मांगे क्या थी, ये कारण था, मांगे क्या थी, तो मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर खलीफा के प्रभुत्व की पुनर्स्थापना, यानी मांगे ये थी कि जो आपने पद को खत्म किया है पहले उस पद को फिर से लाइए और धार्मिक स्थलों पे उसकी स्थापना कीजिए और खलीफा को ऊपर से जो है अलग से भू क्षेत्र प्रदान किया जाए। ये मांगे थी, ये मांगे आज तक कभी ब्रिटिश ने नहीं माना, कभी इसको स्वीकार नहीं किया। आगे अब देखिए खिलाफत आंदोलन का विकास कैसे हुआ, इसमें भी क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन जब शुरू हुआ तो 1919 में अली बंधु कौन थे, तो मोहम्मद अली और शौकत अली, नाम आप लोग याद रखिएगा, अली बंधु के नाम से जाने जाते हैं मोहम्मद अली और शौकत अली, और मौलाना आज़ाद, हसरत मोहानी, इन लोगों ने मिलकर जो है खिलाफत कमेटी का गठन किया। कब, 1919 में। तो मतलब कहीं ना कहीं खिलाफत आंदोलन का असर जो है, जो खलीफा पद समाप्त किया जा रहा था तुर्की में, उसका असर भारत में देखने को मिला और भारत में सकारात्मक एक स्थिति मिली, अनुकूल स्थिति मिली, क्योंकि उस समय ऑलरेडी आंदोलन चल रहा था ब्रिटेन के खिलाफ। खिलाफत आंदोलन का विकास कैसे हुआ, असहयोग के माध्यम से हुआ। पहले सभा किया गया, धरना किया गया और याचिकाओं से प्रारंभ किया गया, प्रार्थना पत्र दिया गया, रिक्वेस्ट किया गया। उसके बाद नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ। 1919 में क्या हुआ, खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी। वहां पे महात्मा गांधी जहां आएंगे तो वहां तो असहयोग जैबे करेगा, अंग्रेजी वस्तु का बहिष्कार और असहयोग की नीति, इन दोनों को जो है हथियार बनाया गया। अब कहा जाता है कि जो असहयोग आंदोलन था वो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तो कह सकते हैं खिलाफत आंदोलन से। कांग्रेस का क्या रवैया था, कांग्रेस में गांधी जी की तरफ से पूर्ण समर्थन था, पूर्ण समर्थित, किसके, गांधी जी के द्वारा, पूर्ण समर्थित गांधी जी के द्वारा। क्या कारण था इसका, गांधी जी क्यों सपोर्ट कर रहे थे भाई मुसलमानों को, क्यों कर रहे थे, ये देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास था। उन्हें लगता था कि जो मुसलमान छटक के चलते हैं, 1916 में लीग से, मुस्लिम लीग से हमारा समझौता भी हो गया है, अब यही समय है एक होके अंग्रेजों को भगा देने का। तो ये मैंने प्रश्न दो बार भी फेस किया है एग्जाम में कि खिलाफत आंदोलन का जो है समर्थन गांधी जी ने क्यों किया, तो हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए, एक अवसर देखा उन्होंने जिसमें हिंदू मुस्लिम एक हो सकते थे। संवैधानिक तरीका अपनाकर जिसका विरोध भी हुआ, कांग्रेस को अवसर की तलाश थी, कांग्रेस को जो है इस अवसर की बहुत तलाश थी, तो मौका मिला, दस्तूर मिला और कर दिया। लेकिन इसमें गांधी जी के अलावा सर्वसहमति का अभाव था, ऐसा नहीं था कि पूरी की पूरी कांग्रेस चाहती थी कि इसका सपोर्ट किया जाए। बाल गंगाधर तिलक हमेशा इसका विरोध करते आए थे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को ये लगता था कि मुस्लिम लीग और भारत के मुसलमान जो है केवल खिलाफत आंदोलन की वजह से ही यह सहयोग को जो है समर्थन दे रहे हैं, बाद में वो पीछे हट जाएंगे, तो उन्हें विश्वास नहीं था। तो इन ये जो है खिलाफत आंदोलन का विरोध करने वाले मुख्य नेता कौन थे, बी जी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बहुत कुछ पढ़ना है हमें आंदोलन बारे में। अब जानते हैं थोड़ा सा, मैं इसको बुक को सीधा ही कर लेता हूँ, थोड़ा समय लगता है क्योंकि कैमरा मेरा स्टेबल रहता नहीं है, इसलिए मैं स्टेबल करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। अब देखिए, अब असहयोग और खिलाफत आंदोलन का घटनाक्रम, अब बारी बारी से हम लोग पूरी कहानी जानेंगे, पूरा कहानी आप लोग मान के चलिए कि आप लोग दादी रानी से कहानी सुन रहे हैं, तो आपको पूरा याद हो जाएगा। जानते हैं इसकी कहानी क्या थी। 1920 शुरुआत फरवरी 1920 से हो चुकी थी, इसकी प्रसारण ही प्रसार हो रहा था। हिंदू मुसलमानों के संयुक्त प्रतिमंडल की वायसराय से असफल मुलाकात हुई। देखिए असफल मुलाकात मतलब क्या, कि हिंदू और मुसलमान दोनों के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल जो हैं वो वायसराय से मिले, अपनी मांगे रखी, लेकिन वायसराय ने मानने से इनकार कर दिया, ये सफल नहीं हो पाए, इसलिए असफल मुलाकात हुई।
मार्च अप्रैल मई तीन महीना के बाद मई 1920 में तुर्की का विभाजन हो गया। कहाँ पर? वहाँ तुर्की में, भारत में नहीं, तुर्की में विभाजन हो गया। मैं जब बच्चा था तो मुझे यही समझ में बार बार नहीं आ रहा था, जब मैं 10th 11th में था तो मुझे हिस्ट्री में यही समझने में परेशानी होती थी कि यार तुर्की का विभाजन थे भारत में, कि कहाँ है तुर्की, तो मैं कोई और तुर्की समझ लिया, मुजफ्फरपुर वाला तुर्की समझ लेता था। तो 1920 में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस समय, अब मुझे समझ में जो है आया जब मैंने पढ़ाई शुरू की कि 1920 में जो है तुर्की का विभाजन हुआ। कहाँ पर? तुर्की में। उसके बाद फिर एक महीने के बाद 1920 में ही सारी घटनाएं हो रही है। इलाहाबाद में आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में क्या हुआ, स्कूल कॉलेज और न्यायालयों का बहिष्कार किया गया। स्कूल कॉलेज और न्यायालयों का बहिष्कार किया गया, शुरुआत यहीं से बहिष्कार की हुई। 31 अगस्त 1920 फिर जुलाई अगस्त दो महीना के बाद, पहले तीन उसके बाद एक उसके बाद दो, 31 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत औपचारिक रूप से हुई। देखिए औपचारिक मैंने इसलिए लिखा है कि शुरू ठीक से हुआ नहीं था, बस घोषणा होने वाली थी, लेकिन असहयोग आंदोलन की जो सही शुरुआत हुई, हमेशा प्रश्न आते हैं कहाँ से हुई, तो कल सितंबर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, सितंबर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, इसी में असहयोग आंदोलन का भी जो है क्या किया गया, शुरुआत की गई। तो जब भी प्रश्न आए तो आप लोग लिखिए कब, कलकत्ता अधिवेशन 1920 में, पूर्ण असहयोग आंदोलन, इसमें क्या क्या था, असहयोग आंदोलन में लोग क्या क्या करते थे, कहां कहां उन्होंने जो है असहयोग, असहयोग मतलब सहयोग नहीं करना है, कहां कहां नहीं करना है, तो सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया गया, जितने सरकारी शिक्षण संस्थान थे। उसके बाद न्यायालयों का बहिष्कार, न्यायालय में लोग ने जाना बंद कर दिया। विधान परिषदों का बहिष्कार, अब विधान परिषद में कुछ नेता ऐसे भी थे जिनको सत्ता की भूख थी, जो हमेशा चाहते थे कि नहीं पहले विधान परिषद में रहना जरूरी है, या तो सत्ता की भूख थी या तो वो लोग ऐसा मानना होता होगा कि भाई हम लोग को रहना है तो रहने के लिए चुनाव में शामिल होना जरूरी है, विधान परिषद में रहना जरूरी, तभी ना आवाज उठाएंगे। तो सी आर दास जोशी इन्होंने विरोध किया, उन्होंने कहा कि विधान परिषद का बहिष्कार नहीं होना चाहिए, केवल उन्होंने बहिष्कार किया, चुनाव का बहिष्कार किया गया लेकिन सी आर दास ने नहीं किया, सी आर दास ने चुनाव लड़ा था, एकमात्र नेता थे जिन्होंने बहिष्कार नहीं किया था। प्रश्न आए तो आप लोग जरूर लिखिए। उसके बाद विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, सरकारी उपलब्धि जितने भी मिली थी, उपाधि माफ कीजिएगा, सरकारी उपाधियां जितनी भी दी गई थी, सर की उपाधि और बहुत सारी उपाधि जो थी दी गई थी, जिसको जो है लोगों ने त्याग दिया। सरकारी करों का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया, उसका सरकारी उत्सव जो होते थे कभी कभी अंग्रेजों के, उनका बहिष्कार किया। तो लगभग सब में सरकारी जुड़ा हुआ है, देखिए सरकारी यहां भी है, विदेशी मतलब सरकारी ये हुआ, तो सब जगह सरकारी जो भी चीज लिख दीजिए सबका बहिष्कार हुआ, आपके मन में जो आए। अब दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था, इसका नाम आता है बार बार, संवैधानिक तरीके से बाहर आके जनसंघर्ष की अवधारणा स्वीकार की गई। अब कहा गया कि संवैधानिक तरीका से तो अंग्रेजों ने ऐसा संविधान ही बनाया है जिसमें हम लोग ठीक से काम नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें संवैधानिक जो अवधारणा है, संवैधानिक जो एक बाउंड्री है, एक सीमा है, उस सीमा रेखा से बाहर आके काम करना होगा। 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन हुआ, इसके लिए गांव कस्बे, छोटे छोटे गांव छोटे छोटे कस्बों तक कांग्रेस का विस्तार हुआ। गांधी जी की स्वराज्य लक्ष्य की घोषणा, गांधी जी ने कहा कि इस तरह से जो आंदोलन आपने देखा होगा मूवी में, भगत सिंह मूवी में गांधी जी ने क्लियर कहा था कि ऐसे ही अगर असहयोग आंदोलन चलता रहा तो एक साल में हमें जो है स्वराज जो है आज़ादी मिल जाएगी। भगत सिंह बहुत खुश थे भाई, भगत सिंह उस समय बच्चे थे असहयोग आंदोलन के समय। 1921 तथा 22 में अप्रत्याशित लोकप्रियता मिली, बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली इस आंदोलन को, लेकिन इसमें एक छोटी सी घटना क्या हुई कि मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग में जो सब एक हो गए थे, एनी बेसेंट, बीसी पाल और ने जो है कांग्रेस छोड़ दी। क्यों छोड़ी? क्योंकि इनका मानना था कि हम जो करेंगे संवैधानिक तरीके से करेंगे। भाई जिन्ना को तो ऐसा ही पाकिस्तान नहीं मिलने वाला था बिना संवैधानिक तरीका से, संवैधानिक तरीका से जो है नियम कानून से उसको मिलने वाला था, तभी इसको कायदे आजम बोला जाता था। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे बड़े नियम कानून के पक्के रहते थे, थोड़ा सा हर चीज जो है कायदे से करते थे, इसलिए इनको कायदे आजम बोला जाता था। तो मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट बीसी पाल ने क्या किया, कांग्रेस छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि संवैधानिक तरीके के समर्थक थे, और यहाँ कांग्रेस में क्या चल रहा था कि भाई हमें आंदोलन करना है लेकिन अब असंवैधानिक तरीका भी अपनाना है, और यह निर्णय कहाँ लिया गया, दिसंबर 1920 के कांग्रेस के
नागपुर अधिवेशन में। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग कहानी की तरफ पढ़ते जा रहे हैं। आगे चलते हैं, आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ, इसको ध्यान से पढ़िएगा। आंदोलन का प्रसार, जी आंदोलन का प्रसार, तो देखिएगा यहां पे अली बंधु मैंने बताया है, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने क्या किया, पूरे देश का दौरा किया। क्योंकि आंदोलन तो बहुत ज्यादा जो है लोकप्रिय था ही, लेकिन लोगों में इसकी पहुंच की भी बहुत ज्यादा। मेमोरी के कारण जो है मेरा कैमरा थोड़ा रुक गया था। तो पूरे देश में लोकप्रिय था, लेकिन फिर भी जो है सैकड़ों जनसभाएं की, पूरे देश में इसको फैलाया अली बंधुओं ने। शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार में पश्चिम बंगाल अग्रणी था। देखिए पश्चिम बंगाल जो है अभी जो हो, अभी जो है घुसपैठी हो या राजनीतिक कारण के कारण बदनाम हो, लेकिन उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में अच्छे अच्छे नेता और अच्छे अच्छे क्रांतिकारी बंगाल ने दिए हैं, और बंगाल हमेशा अग्रणी रहता था। तो उस समय सबसे ज़्यादा शिक्षण संस्थान का जिसने बहिष्कार किया था वह था पश्चिम बंगाल। पूरे देश में जो है आचार्य नरेंद्र दत्त, सी आर दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस द्वारा नए शिक्षण संस्थान। अब देखिए शिक्षण संस्थान जिनका बहिष्कार कर दिया गया, तो शिक्षा तो चाहिए लोगों को, शिक्षा को बढ़ावा देना है, तो ये लोग मिलके जो है नए नए शिक्षण संस्थानों को, इन्होंने अपने शिक्षण संस्थानों को शुरू किया। कई प्रख्यात वकील, बहुत सारे ऐसे वकील थे, इन कुछ महापुरुषों का नाम आप लोग याद रखिएगा ऊपर भी और यहाँ भी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सैफुद्दीन किचलू, सी आर दास और सी राज गोपालाचारी। तो कुछ ऐसे महान वकील थे जिनकी वकालत बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इन्होंने अपनी वकालत को छोड़ दिया। उसके बाद जब विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हो गया तो पहनने के लिए कपड़े चाहिए, तो चरखे और खादी का खूब प्रचार हुआ, यानी खुद से बुनिए और खुद से पहनिए। सेना छोड़ने का आह्वान किया गया, बताया गया कि जो लोग सेना में हैं वो सेना छोड़ दें, सेवा देना छोड़ दें, यही तो असहयोग है, सहयोग नहीं करना है। असम में चाय बगान मजदूर और रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल हो गई, सबने काम छोड़ दिया। देखिए कितना बड़ा आंदोलन था। और नहीं तो हुआ तो 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, भारत दर्शन के लिए। उन हड़ताल किया गया, उस समय विरोध किया गया और नारे लगाए गए। कुछ आंदोलन उस समय चल रहे थे समानांतर रूप से, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था, जैसे एका आंदोलन, मोपला विद्रोह, एका आंदोलन उत्तर प्रदेश, मोपला विद्रोह मालाबार में, अवध किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में, इन सब में जो है इन सबका साथ मिला सहयोग आंदोलन को। बहुत मतलब बड़े स्तर पे जो है असहयोग आंदोलन का आह्वान भारत देश में हो गया था, तभी तो गांधी जी ने कहा था कि ऐसे चलता रहा तो एक साल में हमें आज़ादी मिल जाएगी। अब जन प्रतिक्रिया देखिए, इसमें बहुत बड़ा एक पैराग्राफ 3 पेज में दिया हुआ है, मैंने इसको बस इतना ही लिखा। क्यों लिखा तो आपको समझने की चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। मध्यम वर्ग मिडिल क्लास के लोग कौन होते हैं, मध्यम वर्ग जो कि क्या करते थे, जो कि सरकार में विश्वास रखते थे, कर देते थे, वो सब जो है पीछे हट गए। उन्होंने जो है जगह जगह पे वस्त्रों को जलाया, वस्त्रों का जो है बहिष्कार किया, शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया। तो मध्यम वर्ग की जो जो वर्ग यहाँ कहा जा रहा है ना, उसके आप लोग उसके जो काम है उसको बहिष्कार में लिख दीजिए। जैसे व्यवसायिक वर्ग ने क्या किया, उद्योग धंधे छोड़ दिए, और अंग्रेजों के जो वस्तु थे, जो ब्रिटेन में निर्मित वस्तु थे, उसको भारत में खरीदना बेचना बंद कर दिया, कर देना बंद कर दिया। किसानों ने कर देना बंद कर दिया, अपनी खदान अपने पास, या फिर वो उपजाते ही नहीं थे उतना, जितना खाना होता था उतना ही उपजाते थे। विद्यार्थी वर्गों ने सारे शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया। महिलाओं ने क्या किया, तो महिलाओं ने अपनी महिला सभा गठित की, महिलाओं की सभा हुई, यहाँ तक कि गांधी जी ने मुस्लिम महिलाएं जो कि निकलती नहीं थी उनको भी बोल दिया कि आप लोग भी निकलिए और खुलकर आंदोलन कीजिए। सबने मिलकर आंदोलन किया, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम हुई, सब एक साथ मिलकर जो लड़ रहे थे, क्योंकि एक खिलाफत आंदोलन का भी प्रभाव था। अब सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी, 1921 का समय था, लॉर्ड रीडिंग जो कि तत्कालीन गवर्नर वायसराय थे और गांधी जी के मध्य वार्ता हुई। इस वार्ता में जानते हैं क्या हुआ, लॉर्ड रीडिंग ने गांधी जी से कहा
कि आप अपने लोगों को समझाइए, हम अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाले हैं, ये खिलाफत तिलाफत आंदोलन को बंद कीजिए, नहीं तो हमें कोई कार्रवाई करनी होगी। ये कहा गया। गांधी जी को इससे बहुत क्रोध आया, लेकिन अहिंसावादी थे, वो चुपचाप आए और उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने लोगों को और उत्साहित किया और बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू कर दिया। अब यहाँ से सरकार का सही रुख सामने आया, सरकार की दमनात्मक कार्रवाई हुई, दमन किया गया, मार पीट, गिरफ्तारी, फांसी, स्वयंसेवी संगठन को अवैध घोषित कर दिया गया। जितने भी स्वयंसेवी संगठन चल रहे थे सबको अवैध घोषित किया गया। सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, कहीं किसी को सभा नहीं करना है। उसके बाद प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, जो लोग राष्ट्रवादी समाचार छापते थे उन पर तो कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया। अब फाइनली इतना करने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिला अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों ने कहा कि जो बुढ़ऊ हैं, बूढ़े बाबा गांधी जी, यही सबके जड़ हैं। अंत में उनको और उनके सहयोगियों को पकड़ कर कहा गया, जेल में डाल दिया, उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो देखिए कितना कुछ किया इन्होंने इसके लिए। तो अब तक एक बार हमने थोड़ा सा देखा क्या क्या पढ़ा, हमने खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ी पृष्ठभूमि देखी, लोगों की असंतुष्टि का कारण देखा, उसके बाद कुछ ऐसे समझौते जो कि खिलाफत आंदोलन को जन्म दिए, जैसे लखनऊ समझौता, रौलेक एक्ट का विरोध, सब सामने आए। उसके बाद खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण, मुख्य मांग, कैसे विकास हुआ, शुरुआत कैसे हुई, कांग्रेस का क्या रवैया था, उसके बाद कैसे प्रसार हुआ, घटना वाइज घटनाक्रम देश में कैसे उसका प्रसार हुआ, उसके बाद किस तरह जो है शुरुआत हुई, किस तरह जो है ये आगे बढ़ा, किस तरह जो है पूरे हर तरह के वर्ग के लोगों में ये आंदोलन फैला, और अब देखते हैं कि जन प्रतिक्रिया, लोगों की प्रतिक्रिया क्या आई और सरकार की प्रतिक्रिया क्या हुई, ये हमने देख लिया। देखिए कितना आसान था इसको समझना। जब इसे प्रश्न आते हैं ना दोस्त मुख्य परीक्षा में, लोग ठीक से लिख ही नहीं पाते हैं। ठीक से लिख दे, अच्छे से समझ के नोट्स बना के, तो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। मैंने, क्योंकि मेरे से गलती हुई है, मैं नहीं चाहता कि आपसे भी वो गलती हो, इसलिए मैंने यहाँ से जो है पढ़ना शुरू किया था। अब यहाँ पे जो है अब समय आ गया था आंदोलन के समाप्त होने का। ये देख सकते हैं आप लोग आंदोलन का अंतिम चरण। दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन हुआ। इसमें गांधी जी ने घोषणा किया 1 फरवरी 1922 को। क्या घोषणा किया कि अगर आपने हमारी मांगों को नहीं माना, अगर तुर्की की समस्या नहीं का समाधान नहीं हुआ और भारत देश की स्थिति नहीं सुधरी, तो हम देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, इसका लक्ष्य रखा गया। तो कब रखा गया? 1 फरवरी 1922 को। लेकिन उस बीच में घटना हो गई 4 दिन के बाद 5 फरवरी 1922 को, जिसको चौरी चौरा कांड बोलते हैं। चौरी चौरा कांड आप लोग जानते होंगे, थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए इसको क्या हुआ था। स्थान था चौरी चौरा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा स्थान गोरखपुर जिला और राज्य उत्तर प्रदेश, पिन कोड नहीं लिखा है मैंने। आंदोलनकारियों द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा था, पूरे देश में चल रहा था। लेकिन क्या था, ब्रिटेन ने इस पर कड़ा रोक लगा रखा था, सभा करने पर, हड़ताल करना, किसी तरह का आंदोलन करना, सब पे रोक लगा रखा था। अब पुलिस ने क्या किया, उनको रोकना चाहा, झड़प हुई और पुलिस ने क्या शुरू कर दिया, लाठी चार्ज। भीड़ का पुलिस पर हमला हो गया, भीड़ भड़क गई और क्या हुआ, भीड़ का जो है पुलिस पर हमला हो गया। पुलिस ने क्या किया, फायरिंग किया, इससे भीड़ क्या हो गई, और उग्र हो गई। कुछ पुलिस वाले पुलिसकर्मियों को भीड़ ने पकड़ कर क्या हुआ, मार डाला, मारते मारते मार दिया, और कुछ थाने में घुस गए और छुप गए। छुपे हुए लोगों को निकालने का प्रयास नहीं किया गया, और जिसमें घुसे हुए थे जिस थाने में, उस थाने में आग लगा दिए गए। फलस्वरूप 22 पुलिसकर्मी जो है झुलस के मर गए। ये बहुत बड़ी हिंसक घटना थी, क्रांति असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे बड़ी हिंसक घटना थी, और इस हिंसक घटना से आहत हो गए गांधी जी, और आहत होकर उन्होंने आंदोलन जो है वापस लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि अभी लगता है कि भारत की जनता असहयोग आंदोलन जैसे आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं अपना आंदोलन वापस लेता हूं। उन्होंने क्या किया, आंदोलन को वापस ले लिया। तो देखिए कैसे असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे, क्या असर पड़ा भारत पे, अब थोड़ा सा मूल्यांकन इसका देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हुई। मैंने इसमें निगेटिव पक्ष, नकारात्मक पक्ष और सकारात्मक पक्ष दोनों को शामिल किया है। पहला पक्ष, शहरी मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित कर लिया गया। जो शहरी मुसलमान जो दूर रहते थे आंदोलन से, उनको क्या किया गया, राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित किया गया। बाद में
क्या हुआ, सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार नहीं रह पाया, फिर से हिंदू मुस्लिम में थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं झड़प होने लगी और धर्मनिरपेक्ष आंदोलन का प्रयास विफल हो गया। ऐसा माना जाता था कि धर्मनिरपेक्ष होगा, कोई धर्म इसमें ज़्यादा मान्यता उसको मिलेगी नहीं, हर धर्म से बराबर होगा, ऐसा हुआ नहीं। पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध दिया गया। इसमें ये एक सकारात्मक पक्ष था कि राष्ट्र में हर वर्ग हर जाति के लोग साथ मिलकर लड़ रहे थे, लगभग सभी वर्गों की भागीदारी थी, ये सकारात्मक पक्ष है। देश की जनता आधुनिक राजनीति से परिचित हुई, देश की जनता को पता चला कि राजनीति कैसे करना है, लड़ना कैसे है। अंग्रेजों का भ्रम टूट गया, क्यों? अंग्रेजों को लगता था कि भारतीयों में चेतना का अभाव है, ये भ्रम टूट गया क्योंकि भारतीय कभी भी जग सकते थे, अंग्रेज सावधान हो गए थे। और भारतीयों का भी भ्रम टूटा अंग्रेजों से, भारतीयों को लगा था कि अंग्रेज हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों की ये नीतियां देख के भारतीयों का भ्रम अंग्रेजों से टूट गया, जिसमें जलियांवाला बाग और हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो देखने के बाद देश के जो देशवासी थे भारतीय वो भी सावधान हो गए, किससे? अंग्रेजों से। तो इसी के बारे में हमें खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना था। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य परीक्षा में कई बार प्रश्न जो है इतना ही से प्रश्न आ गया है, तो इसको आप लोग रिवाइज करते रहिए और इसमें मोटे मोटे पॉइंट्स को आप लोग लिखिए। जैसे सी आर दास ने विरोध किया था, इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन कब पारित हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन 1920 में, यह भी इंपॉर्टेंट है। तुर्की का विभाजन कब हुआ था? 1920 में। गांधी जी ने क्यों सहयोग दिया, उसका कारण। तो कितने आसानी से हमने जो है इतना कुछ हमने पढ़ लिया, एक बार जल्दी से रिवाइज, तुरंत पृष्ठभूमि हमने देखा। पृष्ठभूमि में क्या देखा कि कहां से शुरू हुआ, लोग असंतुष्ट थे, क्यों असंतुष्ट थे, इसके कारण, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आर्थिक कठिनाई, रॉलेट एक्ट, हंटर कमीशन की रिपोर्ट और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, इन सब ने जो है मिलकर जो है खिलाफत आंदोलन को जन्म दिया था। लोग तो असंतुष्ट ही थे, उसके बाद भी लखनऊ समझौता और रॉलेट एक्ट का विरोध और मौलिक राष्ट्रवादी मुसलमान कुछ अच्छे मुसलमान प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो ये भी एक कारण था सपोर्ट मिलने का। उसके बाद खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण तथा मांग, खिलाफत आंदोलन में जो है क्या 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 मुख्य कारण था और क्या मांगे थी, और मांग नहीं मानने पर जब अंग्रेज ने इस मांग को ठुकरा दिया तो खिलाफत कमेटी का गठन हुआ और कैसे विरोध शुरू हुआ, विरोध शुरू हुआ तो कांग्रेस का क्या रवैया हुआ, क्यों गांधी जी ने सपोर्ट किया। उसके बाद असहयोग या खिलाफत आंदोलन का घटनाक्रम, कैसे कैसे शुरुआत हुई, लाइन से हम लोग ने देखा किसने इसमें जो है समर्थन नहीं किया। उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई इसमें, कौन कौन चीज़ों का बहिष्कार किया गया। उसके बाद कैसे जो है नागपुर अधिवेशन में जो है संवैधानिक तरीके से ऊपर उठने की बात कही गई, जब बात हुई स्वराज लक्ष्य, स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई तो ये लोग जो है बाहर निकल आए क्योंकि ये लोग संवैधानिक तरीके चाहते थे। उसके बाद आंदोलन का प्रसार, कैसे पूरे देश में आंदोलन फैला, किस प्रकार फैला, किस प्रकार जो है प्रचलित हुआ। उसके बाद जन की प्रतिक्रिया, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हुए, कैसे शामिल हुए। उसके बाद सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई। फाइनली आंदोलन का अंतिम चरण जो है किस प्रकार समाप्त हुआ, ये कांड चौरा चौरी हुआ, कहाँ चौरा चौरी, गोरखपुर में, और कैसे आंदोलनकारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और दोनों में झड़प के बाद पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया और इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन का मूल्यांकन हमने किया कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव बातों के साथ। यही चैप्टर में हमें पढ़ना था, इतना ही पढ़ना था। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से जो है ये समझ में आया होगा। पूरा चैप्टर जो था 14 पेज का चैप्टर इसी में था, हमने 5 पेज में, यही नोट्स होता है, मेन चीज़ों को लिख लीजिए, बाकी चीज़ को समझ लीजिए और किताब हमेशा पढ़िए, तभी ध्यान में आएगा। बस एक बार रीडिंग, एक बार नोट्स, कहानी खत्म। अगला चैप्टर देखिए मैंने यहाँ लिख के रखा है हेडिंग, हम लोग कल शुरू करेंगे। 1920 के दशक में स्वराजी समाजवादी विचार एवं अन्य नवीन शक्तियों का उदय, ये भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, देखना ना भूले। कल मैं फिर से लेके आता हूँ। चलिए अब आते हैं मेन वीडियो पे। तो दोस्तों देखो ये चैप्टर भी निकल गया, निकलते निकलते जो है कहते हैं ना, यूं ही कट जाएगा सफर साथी चलने में, तो ऐसे ही सफर कट जाएगा, एक एक चैप्टर होते होते 35-38 चैप्टर हैं, आराम से खत्म हो जाएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है ये किसी भी परीक्षा का, आधुनिक भारत का इतिहास, आप लोग इसे स्किप मत कीजिएगा। अगर पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में स्पेक्ट्रम हिस्ट्री नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जरूर देख लीजिएगा। लगातार बने रहिए मेरे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल वाली जो घंटी होती है ना, बेल,
उसको आप घंटी की बटन को दबा कर रखिए ताकि कोई भी अपडेट्स पहले वीडियो आए आपको पहले मिल जाए। तो स्मूथली पढ़ते हैं, खत्म करते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एक एक करके ऐसे ही करके 30-30 दिन में सब कुछ पढ़ा दूंगा और पढ़ भी लूंगा, मेरी भी तैयारी अच्छी खासी हो जाती है आपके साथ। तो थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए। अगला वीडियो मैं कल लेके आऊंगा अगले नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।